क्या आप मेरी इस रस्म के लिए आए, मेरी मोहब्बत के लिए आए, मेरे प्यार के लिए आए और मोहब्बत का इजहार किया मेरे साथ, आप सब लोगों के आने का मैं शुक्रिया करता हूँ। और यही होता है, असल में ये होता है, कोई भी हमको दुनियावी काम करना नहीं जा रहे, ये रूहानी काम है। भाई फयाज मेरा छोटा भाई है, ऐसी बात नहीं, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, उसको 100 बार हमें सोचना पड़ता है। जो मजबे का माहौल होता है ना, वो मजबे का माहौल से कहा जाता है। मैं जब भी मैंने पहले अपने ये मिस्त्री वाला काम सीखना शुरू किया, मुझे बहुत मुश्किल था नजर आया। तो उसके बाद दूसरा काम मैंने जब शुरू किया, गाड़ी सीखी, मेरे उस्ताद मोहतरम यहाँ बैठे भाई गुलजेब, मेरे उस्ताद मोहतरम कोई भी मुझे पूछता है, मैं अलानिया कह देता हूँ भाई गुलजेब ने मुझे गाड़ी सिखाई है। इस काम में भी मुझे पहले मुश्किल लगा, मैं क्या कहता जब मैं गाड़ी कुबरी के ऊपर चढ़ाऊंगा तो ब्रेक पैर पोला होगा, पाँव तो पीछे आ जानी और सोचा सोचनी। तो जब मैंने खिदमत का आगाज किया, जब मैंने अपनी होश संभाली है ना, तो पादरियां पीछे मैं ले लिया, पीछे पीछे लिया पादरियां जाने में चली, मैं ध्यान में नशा नहीं देना जो मर्जी रोटी बड़े चढ़ कर पादियों की खिदमत की, खानसदा के खानों की, रूहानी तौर पर भी और जिसमानी तौर पर। तो जब ये खुदा का खादम पास्टर मुनसफ इधर आया, तो मैंने 16 नंबर पे ना मुझे 5वां करना मिला पास्टर सिकंदर के चर्च। तो मैं उसको जब मैंने बयान किया तो बाहर निकले तो पास्टर खादम ने पास्टर मुनसफ ने मेरी उंगली पकड़ी, जैसे बच्चे की उंगली पकड़ते हैं। तो कहते हैं भाई मैं दुआ करता हूँ, मैं करता हूँ भाई जहाज से खुदा मुझे कहता है मेरा खादम है, आप सीखना चाहते हैं। मैंने शुक्र किया खुदा, मैंने कबूल किया, मैंने कहा सीखना चाहता हूँ। उससे पहले, सीखने से पहले, स्टडी से पहले मेरा रोज का ही ख्वाब था, मेरे पापा की डेथ हुई मेरा रोज का ख्वाब था, मेरा स्कूल छूटा, मैं पढ़ना चाहता था, मैं पढ़ नहीं सकता था। तो फिर मुझे रोज ही ख्वाब आते, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो जब मैंने स्टडी शुरू की तो मुझे फिर कभी ख्वाब, ये खुदावंत का शुक्र है कि मुझे कभी ख्वाब नहीं आया, आज तक नहीं आया। जब फराज रखा बल्कि बहुत मुश्किलें आई, और मैंने इसी बात में खुदावंत का शुक्र अदा किया कि खुदावंत अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत हटाई ताकि तेरे आए। तो पता था कि मैंने मैसी में मैसेज बयान करना है, क्रिसमस कोई ऐसा उस्ताद मैंने नहीं देखा जो 300-400 बंदा में कह दे कि तुम बड़े प्रोग्राम पर मैसेज दे दो, नया आदमी नया स्टूडेंट हो। तो जब मैंने तो मैसेज बयान किया तो मेरे उस्ताद में बड़ा खुश हुआ, हालांकि वो भी मैसेज बयान कर सकता तो चले जाना था, तो अगर आज मैं यहाँ खड़ा नहीं करूंगा तो किसी को पता भी नहीं, मेरा जरूरी नहीं है, तुम्हारा जरूरी है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैंने सीख रहा हूँ, हम सब स्टूडेंट है, कोई भी कहे ना मैं मुकम्मल हूँ, कोई भी मुकम्मल नहीं। हम लफ्जों में मैं भी गलती कर जाता हूँ, तलफ्जों में कर जाता हूँ, सब करते हैं, मगर बुरा नाम मेरे। पहले दो काम जिस्मानी किए, एक काम रूहानी जिस्मानी किया, दूसरा काम फिर मैंने जिस्मानी किया, दोनों काम जिस्मानी किए, तीसरा काम मेरा खिदमत का था, मैंने जिस्मानी काम नहीं रूहानी काम किया, और चौथा काम ये भी है, और मैं खुदावंद का शुक्र गुजार हूँ, मैं अपने यीशु के लिए सीखना चाहता हूँ। जो भी हम खुदा के लिए या साज ब्रश करते हैं, आदमी को ब्रश करते हैं, ये जो पावर होती है ना, एक बंदा आगे होता है लेकिन उसके पीछे क्लीसिया पूरी का हाथ होता है। जब क्लीसिया बदलो जान, आपको पता है जब क्लीसिया बदलो जान, जब पत्रस कैद में था, रोमियो की सख्त पहरे में था, तो क्लीसिया क्या कर रही थी, उसके लिए दुआ कर रही थी, और वो क्या हो गया था, खुद ब खुद उसको फरिश्ता बाहर लेकर आ गया, तमाम दरवाजे खुल गए। और जब आप और तमाम खादमीन मिलकर किसी भी बंदे को ब्लेस करते हैं,
सारे ही दरवाजे खुल जाते जिस सितारों के हम चांद सितारों के संग नूर फैलाएंगे हम चांद सितारों के संग नूर फैलाएंगे और शम्मे मोहब्बत को और शम्मे मोहब्बत को घर घर ले जाएंगे हम चांद सितारों के किसे लड़ना है चाहत की जया बनकर इंसान को दुनिया में उल्फत की किरण बनकर तारी किसे लड़ना है चाहत की जया बनकर हम प्यार के नगमे ही के नगमे ही और शहर में गाएंगे और शम्मे मोहब्बत को और शम्मे मोहब्बत को घर घर ले जाएंगे हम चांद जब आपने 12 शागिर्दों को चुना था तो 12 शागिर्दों को चुनने से पहले वो सारी रात दुआ में ठहरे थे। तो जब से ये ऐलान हुआ है यकीनन सभी लोग इनके लिए दुआएं कर रहे होंगे और एक उस्ताद का और एक शागिर्द का जो रिश्ता होता है वो एक बाप और बेटे का होता है। कलाम में लिखा है तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर तो तेरी जिंदगी क्या होगी दराज होगी। तो हमारी ब्लेसिंग हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि ये कलाम के मुताबिक जिस तरह मसीह यसू ने भी अपने शागिर्दों को ब्लेसिंग दी मैं चाहूंगा कि उस्ताद जी की निगरानी में रहते हुए ये भी ब्लेसिंग हासिल करें और ब्लेसिंग यही होगी कि ये जो जिस चीज के लिए शागिर्दी कर रहे हैं उसमें खुदा इनको कामयाब तो शागिर्द 5 लफ्जों का मजमुआ है 5 हरूफ मिलकर एक पूरा लफ्ज बनता है जिसका मतलब जिसको कहते हैं शागिर्द उसमें सबसे पहले शीन आता है और शीन का मतलब है शुक्रगुजारी करने वाला शागिर्द में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो शुक्रगुजार हो इस बात के लिए कि वो खुदा ने इसको पैदा किया और उसने इसको इस दुनिया में भेजा ताकि वो उसकी गवाही दे शागिर्द इसलिए ये काम सीख रहा है कि वो खुदा के जलाल के लिए उसको इस्तेमाल कर सके ये शुक्रगुजारी शागिर्द में होनी चाहिए उसके बाद है अलिफ कि वो इस बात पर उसका ईमान हो किस बात पे कि वो जो कुछ भी करता है वो खुदा के लिए करता है और वो खुदा की हर बात पर हर नेमत पर हर बरकत पर हर चीज पर जो खुदा से मुहैया करता है बसूरते उस्ताद उस्ताद उसको खुदा ने मुहैया किया है और खुदा ने उनके दिल में ये बात डाली है कि वो ये काम सीखें और खुदा ने उस्ताद का इंतजाम कर दिया है अब उन्होंने इस बात पर ईमान रखना है कि खुदा ने मुझे उस्ताद मुहैया किया अब मैंने इस उस्ताद से ये हुनर सीखना ही सीखना और इसको खुदा के नाम के लिए इस्तेमाल करना है उसके बाद आ जाता जी गवाह गवाही दे इस बात की कि मैं ये जो काम सीख रहा हूं मैं इसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करूंगा वो इसको सीख कर खुदा के लिए गवाही का बायस बने कि वो ये जो काम सीख रहा है वो गवाही के लिए इस्तेमाल हो वो खुदा के नाम के लिए गवाही दे सके तीसरा लफ्ज है रे कि वो रूह की हदायत से ये काम करेगा वो रूह से मबूर होकर ये सीखेगा वो खुदा के रूह की हदायत और रहनुमाई से कुवत पाकर इस साज को सीखेगा ताकि वो
खुदा के नाम को जलाते से वो दुआ करने उसकी सबसे बुनियाद जो है वो दाल दुआ है। शगिर्द ने इस बात पे बिलीव करके दुआ करनी है कि खुदा मेरी मदद करेगा इसको सीखने में। आप सबको सलाम, आपकी भी सलाम थी। बात ये है यकूब का आम खत और उसकी तीसरा बाब और पहली आयत में क्या लिखा हुआ है सब जानते हैं। ऐ भाइयों तुम सब उस्ताद ना बनो क्योंकि उस्ताद है अक्सर खता करते हैं। और ज्यादा सजा का हकदार कौन है? सुजा ठीक है। अगर हम इस काम को रिहायकारी के साथ सीखें या करें तो इसमें खुदावंद बरकत नहीं देता। हमने अभी भी कल भी मैंने अपने उस्ताद जी से बात की स्पेन में। मैं कहा उस्ताद जी ऐसे बात है आप मुझे इजाजत देते हैं या नहीं देते? उन्होंने मेरे लिए दुआ की स्पेन से। अभी मेरे साथ ऑनलाइन है तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे कहता हूं कि तुझे ये हक है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर कोई बंदा भी मैं हूं या कोई किसी किस्म का भी कोई बंदा है जब तक वो पूरा कामिल इस अपने ख्याल के मुताबिक नहीं होता उसको कोई शिगिर्द डालने का कोई हक नहीं है। ये नहीं। अब मैं इनके साथ जो रस्मों करने वाला हूं अगर असल में ये गंडा बंद होती है हम वो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि हम उसी हैं। हमने अपने बड़े उस्ताद के लिए खुदावंद मसीह के लिए ये वर्शिप सीखनी है और उसके लिए करनी है। आमीन आमीन। वो बादशाह था तो लोगों के साथ रहा तो हम क्या हम तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए दुआ करना कि इनका मैं आज हाथ रखाने लगा बकायदा और ये बकायदगी से खुदा को जानते हुए कि खुदावन तूने मुझे बरकत देनी छोटी सी इल्तिजा है तो मैं अब इनका हाथ रखाता हूँ आपके सामने। राग बैठ राग भैरवी इसको सदा सुहागन का भी खिताब दिया गया क्योंकि इसको जिस वक्त आप बजाएंगे या गाएंगे रूह के साथ ये आपके साथ आ जाएगी। अरोही अब अमरोही की दुनिया
कातिल करे कोई, ना दिल में न खूबत हो, बस अमन मोहब्बत की दुनिया पे हकूमत हो। ना कत्ल करे कोई, ना दिल में न खूबत हो, फानों से मोहब्बत से नफरत को मिटाएंगे और शम में मोहब्बत।